बिहार में इन दोनों सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणाओं की बौछार चल रही है। बीते 15 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देने का ऐलान किया। बीजेपी और जेडीयू दावा करती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने लाखों नौकरियां दी और लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी मिलने वाली है। उधर तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के नेता लगातार दावा करते थकते नहीं कि राजद जब सरकार में आई तो बिहार के बेरोजगारों को नौकरी मिल पाई। कुल मिलाकर नौकरी देने के लिए क्रेडिट की लूटमार चल रही है। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा वे अपने पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, खुद में चपरासी बनने की भी काबिलियत नहीं है। रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मुजफ्फरपुर के रास्ते मोतिहारी पहुंचे। रास्ते भर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मोतिहारी में एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया। भाजपा नेता ने कहा राजद के राजकुमार इन दोनों बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बातें करते हैं, लेकिन हमको पता है लालू यादव के बेटे नहीं रहते, नौवीं फेल आदमी को शायद चपरासी की नौकरी भी नहीं देता कोई। धन्य मनाओ अपने पिता का, बाप के नाम पर उनकी राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा जिसके घर से अपराध और अपहरण का रोजगार चलता था, आज वह दूसरों को रोजगार देने की बात करता है। दिलीप जायसवाल ने बीजेपी विधायकों और सांसदों का जिक्र करते हुए कहा हमारे नेता अपने मेहनत और जनता की सेवा की बदौलत चुनाव जीत रहे हैं। राधा मोहन सिंह का नाम लेते हुए कहा कि वे 7 बार मोतिहारी के सांसद बने। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कुछ लोगों को लगा कि बहुत सीधा साधा आदमी बन गया है, विपक्ष के लोग खुश हो गए, लेकिन मैंने बिना थर्मामीटर के ही विपक्ष का बुखार उतारना शुरू कर दिया है। उन्होंने राजद समेत अन्य विपक्षी नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। बताते चले कि आगामी विधानसभा बिहार चुनाव के लिए नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा बन गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई है। अभी लाखों नौकरी और रोजगार के अवसर पाइपलाइन में है। चुनाव में जनता का वोट हासिल करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच क्रेडिट वॉर अब भी जारी है।